ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੱਟ ਵੀ ਚੀਰ ਮੈਂ ਐਸ ਐਨ ਈ ਪਲੱਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ डाइसेक्शन का तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले इसकी स्किन होती है ना जो उसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करके और उसको कट करना है डायरेक्ट उसके पेट के अंदर आप लोग मार दें और वो सारे का सारा जो उसके यार सुन ले आप सुनने वाली बात है जब आप लोग इसको डाइसेक्ट स्टार्ट करते हैं ये आपके सामने जो है वो कर रहा है आफ्ताब तो पहले इसकी हफ्ते में इतना ला सही बना रही ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਵੀ ਚੀਰ ਮੈਂ ਐਸ ਐਨ ਈ ਪਲੱਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ये डाइसेक्शन का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले इसकी स्किन होती है ना जो उसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करके और उसको कट करना है डायरेक्ट उसके पेट के अंदर आप लोग मार दें और वो सारे का सारा जो उसके यार सुन ले आप लोग सुनने वाली बात है जब आप लोग इसको डाइसेक्ट स्टार्ट करते हैं ये आपके सामने जो है वो कर रहा है आफ्ताब पहले इसकी एक आप लोगों ने एपिडर्मस पढ़ी हुई है एक पढ़ी हुई है एंडोडर्मस और एक कौन सी है एक्टो यार एक एंडो है एक एक्टो है एक्टो और एपी वही बात है एक मीजोडर्मिस ये मीजो है ये नीचे है सच्चा तू ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਲ ਜੇ ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣ ਖਾਲ ਨੂੰ ਟੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਗੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਾਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦਾ ਸਤੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਭੀ ਪਾਣੀ ਡਾਲੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਹੈ ਲੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੀਜੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਹ ਸਿਰਫ ਇਸਕਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਇਸਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
जो इसका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक सिस्टम वो काम कर रहा है सारे का सर। आप तो बड़े जदीद दौर के लगते हैं, खाने ला रहे ना सारे से बकरे ने यहाँ पे ला दी यार। सुन दो, एक आप लोगों ने एपिडर्मस पढ़ी हुई है, एक पढ़ी हुई है एंडोडर्मस, और एक कौन सी है, एक्टो। यार एक एंडो है, एक एक्टो है, एक्टो और एपी वही बात है, एक मेसोडर्मिस। मेसोडर्मिस ये मेसो है, खालस ये नीचे है, सच्चा को चाकू लगन वाला, बड़े मोटे मोटे लाके पीस ने यार। सही बड़ा जबरदस्त है, ना खालो टाक ना सही ठीक बैठे, बड़ा जबरदस्त सारी से 100 रुपए की खाल जे ऐसे तो नहीं शुआ में ना दे दे इतना धड़क सर ध्यान ना ये भी अंदर सा चल रहा खाल ने टाक ना लगे बता भी दिया जेड़ा उसे ये भी जिंदा है, आगे उठ खराब हो यार, नंबर बॉडी स्क्रैच हो जाए ना। अच्छा क्लोरोफॉर्म से लाया, क्लोरोफॉर्म का असर खत्म भी तो हो जाता है ना। ये अभी ये बड़ा नहीं है, ये बेकार है, अभी पानी डालो ये जिंदा हो जाएगा। इंटरनल बॉडी में हार्ट है, लंग्स है, वो सारे मुझे पीछे से ला रहे हैं। मैं भी सिर्फ इसका नर्वस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, बाकी सारा जिसम इसका काम कर रहा है। जो इसका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक सिस्टम वो काम कर रहा है सारे का सर। आप तो बड़े जदीद दौर के लगते हैं, खाने ला रहे ना सारे से बकरे ने यहाँ पे ला दी यार। सुन दो, अच्छा तो ये जो है अभी हमने इसकी डाइसेक्शन जो है वो कर ली हुई है, अभी हम इसके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा अभी हमने बेहोश किया था। तो ये अभी देखें इसका जो ब्लड है वो सर्कुलेशन कर रहा है, करवा रहा है। ये आप नज़दीक लेके आए ज़रा इसको देखें, ये देखें ये इसका ब्लड जो है, ये इसका हार्ट है, ठीक है, ये इसका हार्ट है और ये ब्लड को पंप कर रहा है। इस तरह से जो है वो होता है, आपको पता है कि जो हमारे जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट जो है वो 4 chambered है, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर जो है वो 4 खाने होते हैं, और जो फ्रॉग है इसका 3 chambered होता है, इसके ऊपर लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है, और नीचे वाली साइड पे जो इसका वेंट्रिकल जो होता है वो एक ही होता है, मतलब वो डिवाइडेड नहीं है, उसके दरमियान में सेप्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये देखें अभी फर्दर इसको लेके आए करीब, इसको जो है आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये इसका हार्ट है फ्रॉग का, ये देखें ये हार्ट है इसका, और ये यहाँ से ये देखें पहले इसके दोनों जो है वो एट्रियम और दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है वो एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है ये इसका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड पंप करता है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक वाइट कलर की आपको वाइटिश झिल्ली नजर आ रही है, इसको आप लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का क्या काम होता है कि ये इसको फ्रिक्शन से बचा के रखती है। पेरिकार्डियम और हार्ट की वाल्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जो जंप वगैरह लगाता है जब, ये तो इसको ये बचा के रखता है। वो है वेन, हमने टूटने दी दी, हमने इसका कोई भी जिस्म का हिस्सा जो है वो डैमेज नहीं होने दिया। आप लोगों ने सुन लेना, मैं वही बता रहा हूँ, पहले इसी क्वेश्चन ना किया करें, मैं सब बता रहा हूँ। ये आप लोगों ने एक हेपेटिक पोर्टल वेन और एक आर्टरी पढ़ा होगा, आपको पता है वेन जो होती है वो ब्लड के जो होता है वापस दिल की तरफ लेके जा रही होती है, और जो आर्टरी होती है वो लेके आ रही होती है, इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो है वो इसका हार्ट है आपके सामने, इसका वो बीट भी कर रहा है। उसके बाद ये इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जो बड़ी दफ़ा आप सबके सामने मैंने ड्रा किया हुआ है, ये इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये उसका गॉल ब्लैडर है, ये क्या है गॉल ब्लैडर, जो चीज़ें सबसे पहले वाजे नज़र आ रही मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बनाओ सीधी कर अच्छी बात, क्यों नहीं तो यार पहले अभी बच्चा है ना इसलिए सारे
ये बाकी का सेम है चेक इधर वाली साइड पे जमन को पकड़ा दे ठीक है इधर ही वीडियो में आ रहे हैं ये देखें ये इसका ब्लड जो है पंप कर रहा है ओके पेरिकार्डियम ऊपर ये सर चेस्ट की हड्डी है रिब्स है ब्लड देखो कैसे पंप हो रहा असल में ये कैंची काम नहीं कर रही सही तरह से कल वाली कैंची बड़ी जबरदस्त है ये देखें ये जो इसके चेस्ट वाली बोन होती है ना इसको जब आप कट कर देंगे ना तो आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे इसके मुझे नजर नहीं आ रहा अच्छा बात सुने ये क्या कहते हैं यार एक मिनट अच्छा ये ना इसको इसके अंदर सबसे जो मेन पहली चीज थी जो हमने इसको डाइसेक्शन स्टार्ट करते वक्त ये है कि इसके जो स्किन होती है ना स्किन इस स्किन को यहाँ से ऊपर पकड़ लेते हैं ठीक है और पकड़ने के बाद हमारे पास जो सीजर होती है कैंची जो होती है उसको थोड़ा सा इसका कट करते हैं हम लोग अगर डायरेक्ट इसको यहाँ से पकड़ के फिर नहीं करेंगे ना तो ऐसे होगा कि जो इसके नीचे इसके बॉडी पार्ट्स हैं ना इंटरनल तो वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं मतलब इसके लंग्स हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है सारे का सारा क्या हो जाता है वो डैमेज हो जाएगा हम सबसे पहले इसकी स्किन जैसे ये मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे स्किन को पकड़ के इस स्किन को पहले इसकी स्किन को थोड़ी सी कैंची लगाते हैं नीचे से तो जैसे हम लोग कुर्बानी के ऊपर कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो देखते हैं ना वो खाल हम अलहदा से करते हैं तो पहले इसके ऊपर से हम स्किन उतारते हैं अब ये स्किन अगर उतारते हैं तो इसके नीचे आपको ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आएंगे जब जो बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं वो बाद में जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा आपको ये मैं यहाँ पर रख लूँगा आप लोग इसको जो है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर जी ये रेड जो है ये ब्लड कैपिलरीज आप इधर लेके इसको अब इधर ले आए आप इधर आ जाए इसको ये आप लोग जो है वो इसको बाद में ऑब्जर्व कर लेना ये देखें ये आपको नज़र आ रही है ये सारी की सारी क्या है ब्लड कैपिलरीज है ये सप्लाई कर रही है ब्लड की आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जो मेंढक होता है जब सर्दी का मौसम आता है तो ये जला जाता है ज़मीन के नीचे सर वहाँ पर जाके ये सांस लेता है अपनी स्किन के थ्रू इसकी स्किन जो होती है वो वेट होती है गीली होती है मॉइस्चर होती है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो अपनी स्किन से भी सांस ले ठीक है ना तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगी मैं अभी इसको थोड़ा सा अपवर्ड करके इसको दिखाता हूँ आपको ये देखें ये मैंने टूटने नहीं दी ये इसके बैली के अंदर वाली साइड पे लगी होती है और आप देखें कि जिस वक्त आपने डाइसेक्शन करनी है इसको इस तरह से करना है जब आप इसको बैली को पकड़ेंगे ना तो आपको ये फील होगी इसकी साइड पे आप लोगों ने कैंची से इसको कट करना है ये वाली जो है ये क्या है ये दिल से जा रही है
ये क्या है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है जो ब्लड की सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है? ब्लड की सप्लाई। ये आगे जाके लेफ्ट और राइट दोनों टांगों में ऐसे चली जाती है। क्लियर होगी बात? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ये वाला इसका जो है, ये इसके नीचे वाली साइड पे, इसको नजदीक लेके आए जरा, मैं इसको दिखाऊँ आपको। ये वाली तो इसकी वो होगी ना वेन। इसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला इसका हिस्सा जी, ये है गाल ब्लैडर। ये जो नजर आ रहा है आप लोगों, जो दूर खड़े हुए हैं बाद में आके आप इसको ऑब्जर्व कर लेना, ये है इसका गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर। और ये जो लेफ्ट और राइट में ये जो आप लोगों को दोनों नजर आ रहे हैं ना, ये जो क्या कहते हैं रेड कलर, मतलब डार्क रेड कलर, ये दोनों इसके वो है लिवर है जी का, ठीक है ना जी। और उसके बाद इसके ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये दिल है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो दिल होता है उसकी साइडों पे एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये वाली वो पेरिकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम के दरमियान में एक फ्लूइड है, एक मादा है, उसका काम क्या, लिक्विड है। तो उसका काम क्या है कि वो इसके ऊपर, देखिए अब हम लगा रहे हैं ना, तो ये हार्ट के ऊपर नहीं लग रही अभी, क्योंकि ये जो इसके अंदर लिक्विड है वो इसको जैसे तकिया होता है ना, तकिया इस तरह नरम जगह प्रोवाइड करता है, और इस तरह से ये इसको जंप वगैरह लगाने के दौरान में ये जो है वो इसको बचा के रखता है। क्लियर होगी बात? इसके बाद अगर हम बात करें और स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग पढ़ते हैं, ये इसका इसके नीचे वाली साइड पे जो है वो इसके स्टोमिक है, ये मैदा है इसका, ये देखें ये वाला, ठीक है ये स्टमक, ठीक है ये वाला, और ये स्टोमिक है, और स्टोमिक के बाद इसकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम ये देखें अगर तो यहाँ पे ये इसका जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है? इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वाला। और ये वाले जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि आया कि ये मेल है या फीमेल है, जो फीमेल होती है उसमें कॉर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम अगर देखें तो ये जो है हमारे पास फ्रॉग है, ये फीमेल है, ठीक है ना। ये इसके सारे के सारे क्या है, ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना। ये जो येलो कलर के फॉलिकल्स होंगे, ये वाले मेल में नहीं होंगे, जो मेल में है, मेल में ये नहीं होंगे। ये देखो, ये इतना एक गुच्छा सा होगा। अगर हम इसको मजीद नीचे से करते हैं तो ये देखिए, ये सारे का सारा ये आगे आगे नीचे, इसके अंदर जो है एग प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग। यानी कि ये इसकी ओवरी के साथ अटैच है, इसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं। एग प्रोड्यूस होता है जब वो बिल्कुल राइप हो जाता है, तो उसके बाद वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अब इसके नीचे अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको इधर से देखें तो इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे लंग्स होंगे। ये लंग्स पड़े हुए नीचे, ये क्या है? अब क्योंकि ये इसकी डेथ हो चुकी है, ये अब जिंदा नहीं रहा इस दुनिया से, ये इसका एक लंग आपको नजर आ रहा है, लेकिन जिस वक्त ये बिल्कुल जिंदा था, मुकम्मल तौर पे इसकी डेथ नहीं हुई थी, उस वक्त ये आपको ऐसे दबाने के लिए ये हो रहे चल रहे थे। ये अभी जब हमने इसकी डाइसेक्शन की थी, तो ये मुकम्मल तौर पे इसका सारे का सारा सिस्टम काम कर रहा है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके लंग्स, ये ओवरीज, ये सारा कुछ जो है वो इसका सारा काम कर रहा था। ये काफ़ी देर तक जिंदा रहा, ठीक है। अब तो ये सुबह का बेचारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो फिर उसमें जो है ये करता। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइडों पर, यहाँ पे भी कुछ वो गुब्बारों की तरह की होते हैं, ये वाले जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले, इसका काम क्या होता है, इधर करते हैं, ये रिप्रोडक्शन का जो सीजन आता है ना, जो रिप्रोडक्शन का सीजन आता है, तो रिप्रोडक्शन के सीजन के दौरान में जो इसके ये वाले होते हैं ना, ये ऐसे फूल जाते हैं, बल्कि आपने देखा ही होगा मेंढक को बोलते हुए, ठीक है। तो ये था। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये जो मेल है और फीमेल है, इसकी अपीयरेंस में क्या फ़र्क होगा? जो मेल होता है ना, ये इसकी ये वाली जो इसका अंगूठा सा बना हुआ है, इससे भी ज़्यादा मोटा होता है, और जब रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है उन दिनों में और मोटा हो जाता है ये वाला। इसका ये वाला अंगूठा जो है ना, इसका ये और ज़्यादा मोटा होता है। ये हम बाहर से देख सकते हैं कि मेल है और फीमेल, ये दोनों, इसके ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अभी बराबर है, लेकिन जब सीजन आता है रिप्रोडक्शन का, तो जो मेल होता है उसका ये वाला जो है ये ज्यादा मोटा हो जाएगा, फीमेल का नहीं होगा, मेल का ज्यादा मोटा। ये वो क्यों होता है? वो एक वो है ना, अलामत है, सिम्टम है, क्योंकि वो
मेल है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉग एंड टॉड। सबसे पहला टॉड मैं बात कर रहा हूँ, TOAD टॉड, यानी कि फ्रॉग और टॉड के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है इनका कि जो फ्रॉग होता है इसका साइज बड़ा होता है और जो टॉड होती है उसका साइज छोटा होता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर जो स्पॉट होते हैं वो कहीं कहीं वैसे वाजे नज़र आ रहे होते हैं, उसके स्पॉट वाजे नज़र नहीं आते, यानी कि जो ऊपर नुक्ते से लगे होते हैं। तीसरा इसका डिफरेंस ये होता है कि वो डार्क ऐसे मतलब डार्क कलर होता है उसका, ब्राउन सा, इसका थोड़ा लाइट येलो कलर सा होता है क्योंकि अभी इसकी डाइसेक्शन हो चुकी है ना, तो डाइसेक्शन की वजह से ये अब इसका कलर वगैरह का सारा चेंज हो चुका है, वरना अगर आप जब इसको फ्रेश देखते हैं तो इसका कलर जो है नीचे से येलो और ऊपर से ग्रीन कलर होता है इसका। तीसरा जो डिफरेंस है इसका जो मुंह होता है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड का मतलब है कि इसका मुंह नोकदार होता है। जो फ्रॉग होता है इसका मुंह क्या होता है, नोकदार पॉइंटेड एंड होता है, और जो हमारे पास टोड होती है उसका मुंह जो होता है वो चपटा होता है, गोल सा होता है अगली साइड से। ये मुझे बात। तीसरा इसका मेन डिफरेंस क्या है कि जो फ्रॉग होता है इसकी ये वाली जो स्किन है ये स्लिपरी होती है। इसकी स्किन क्या होती है, स्लिपरी मॉइस्ट होती है, गीली, और जो टोड होती है उसकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, खुश्क जिल्द होती है उसकी और खुरदरी होती है, मुलायम नहीं होती। टोड वो वाली जो हम आप लोग देखते हैं आजकल गर्मियों में जो है वो पड़ी होती है घरों में और भागती फिरती, वो टोड है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मैक्सिमम जो है ये जो है ये फ्रॉग है। सबसे पहले हम लोग इसकी जो स्किन है ना, स्किन जो होती है इसको देखते हैं कि इसके नीचे कौन कौन सी ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है ना। ब्लड की कैपिलरीज जो हैं वो अभी मैंने आपको जो है वो बताया कि इसके अंदर जो ये वाले ये अगर इसको आप गौर से देखते हैं तो ये नज़र आ रही कैपिलरीज आपको, ये लाइनिंग नज़र आ रही है आप लोगों को। अगर इधर से आप देखते हैं तो इधर से भी आपको नज़र आएगी दोनों साइडों से ये वाली जो है इसकी ये इसकी लाइनिंग है। इसके थ्रू ये कौन सी रेस्पिरेशन करता है, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब अपनी स्किन से सांस लेगा, ये स्किन से सांस लेगा। उसके बाद जो है वो इसके अगर हम लोग बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो ये यहाँ पे इसका हार्ट है, ये वाला ये इसका हार्ट है, और इसकी साइडों पे एक झिल्ली है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब दिल के दरमियान में ये देखें, ये दिल ये झिल्ली है ना, इसके अंदर वाली साइड पर दिल होगा, कहाँ पर दिल होगा, ये झिल्ली है पेरिकार्डियम, इसके अंदर दिल रखा हुआ है। दिल की दीवार और पेरिकार्डियम की जो दीवार है उसके दरमियान में जो खाली जगह है उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है ना। क्या भरा होता है उसके अंदर, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, वो वाला जो लिक्विड होता है वो इसको ऐसे जैसे हम लोग किसी तकिए पे या फोम वाली चीज़ पे बैठ जाते हैं ना तो हम लोगों को जंप लगे तो हमें इतने ज़्यादा फील नहीं होते, तो इसी तरह से इसका काम क्या होता है कि ये इसको महफूज करके रखता है। ये वाला ये आपको झिल्ली नज़र आ रही है वाजे तौर पे, डैमेज नहीं हुई हुई, बिल्कुल साफ नज़र आ रही, झिल्ली नज़र आ रही है ना, उस झिल्ली के अंदर वाली साइड पे दिल है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये वाला इसका लीवर है, ये जो आपको रेडिश कलर का नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसका क्या है, इसका लीवर है। और लीवर के बाद अगर हम बात करें ये दरमियान में आपको गाल ब्लैडर नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर जितना भी टॉक्सिक मटीरियल होता है, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो सारे का सारा इसके अंदर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग मुर्गी वगैरह को ज़िबा करते हैं तो उसमें से हम ब्लैक कलर का निकाल के फेंक देते हैं, ये वही चीज़ है ये वाला। ये इसको हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। ये इसकी साइडों पे लीवर है और लीवर के नीचे वाली साइड पे यहाँ पे इसका स्टोमिक है, ये इसको अगर उठा के देखें तो ये वाला इसका स्टोमिक है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। स्टोमिक के बाद इसकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती हैं और एंड पे आके ये रेक्टम है इसका, समझ आ रही है। ये वाला ये मैं ड्रा भी करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये गाल ब्लैडर है, ये इसका लीवर है, ये दोनों साइडों पे ये लीवर रखा हुआ है ऐसे, और उसके नीचे लीवर के नीचे वाली साइड पे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो गाल ब्लैडर ये स्टोमिक है। गाल ब्लैडर तो ये वाला है, ये क्या है, ये गाल ब्लैडर है और ये वाला स्टोमिक है। स्टोमिक के बाद ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद ये वाला जो है ये इसके फॉलिकल्स हैं, ये इसके अंदर एग सेल बनते हैं। ये फीमेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है, ये जो येलो कलर के हैं फॉलिकल्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स के अंदर एग बनते हैं और ये कौन सा फ्रॉग है फिर, फीमेल एग बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये
फीमेल फ्रॉग है ये वाला, ठीक है। मेल के यहाँ पे जितने होल्स के ये थोड़े होंगे और उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये क्लियर होगी बात यहाँ तक, ये है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके नीचे वाली साइड पे, इधर लंग्स होते हैं, ये इसका फेफड़ा है। इसके जो लंग्स होते हैं, होते दो हैं, लेकिन बाहर से अगर देखें तो एक ही नजर आता है। यानी कि उसकी झिल्ली ऐसी होती है कि वो लंग्स दो होते हैं लेकिन वो सिंगल नजर आता है, ठीक है ना। वो इकट्ठे ही होते हैं, ठीक। वो अभी ये देखें ना, हम लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ी है, आप लोगों ने फिश है, फिश है एम्फिबियन की तरफ आता है, फिर इसके बाद परिंदे और परिंदों से इंसान, हमारे फेफड़े अलग अलग है, एवोल्यूशन हो गए, अलग हो गए। ये इसके अंदर अभी एवोल्यूशन नहीं हुई, वो नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये अब ये वाला जो है ना डेड हो गया, वरना ये इतना बड़ा फूला हुआ था ये वाला, ठीक है ना। अब मतलब जब क्या कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे था, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें ये, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये इधर भी इसकी जो खाल है इसके नीचे, एक और चीज़ आपको दिखानी मैंने, वो ये मैं इधर कर देता हूँ। ये देखें, इतनी अच्छे तरीके से इसकी डाइसेक्शन की गई थी कि ये इसकी जो वेन है ना, सॉरी वो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी दिल से खून लेके जा रही थी टांगों की तरफ। ये यहाँ से एक है, आप लोगों ने हेपेटिक पोर्टल वेन पढ़ा होगा, और हेपेटिक पोर्टल आर्टरी एओरेटा जिसे बोलते हैं आप लोगों से। Thank you.